एवरीवन, तो यार आज आप लाइव देखोगे. एनीवे आज मैं आपको जो रेमेडी बताऊंगी ना, जब आप उसको यूज़ करोगे तो आप खुद एक्सपीरियंस भी करोगे कि आपके नेक के बैक साइड की टैनिंग, ब्लैकनेस, डेड स्किन और आपके हाथ पैर की टैनिंग और साथ में आपके एल्बो और नीज की ब्लैकनेस कितनी ईजिली रिमूव की जा सकती है. क्योंकि यार देखो, जब हम मिरर देखते हैं तो मिरर में तो हमें हमारा फेस ही दिखता है और बस हम अपने फेस में ही उलझे रहते हैं. बट जब कोई दूसरा बंदा, एनीवे यार जब मैं भी दूसरे इंसान को किसी को देखती हूँ तो सबसे पहले यार उस चीज़ पर नज़र जाती है जो सबसे ख़राब लग रही होती है. फिर चाहे यार नेक के इस वाले एरिया की ब्लैकनेस या फिर टैनिंग हो, या फिर आपके हैंड्स एंड लेग्स की टैनिंग हो, या फिर एल्बो और नीज की ब्लैकनेस हो, और इन सारी चीज़ों की वजह से लगता है यार कि बंदा कितना ज़्यादा अनहाइजीनिक है. तो आज मैं आपको इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ कि मैं अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए क्या यूज़ करती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ और कब यूज़ करती हूँ. तो यार आज मैं आपको उपटन बताने वाली हूँ, एंड आई थिंक उपटन बॉडी पॉलिशिंग के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा. हाँ, वही उपटन जो लोग शादी से पहले अक्सर अपने स्किन पर अप्लाई करते हैं, जिससे कि शादी वाले दिन वो अच्छे लगें. और सिर्फ दुल्हा दुल्हन ही क्यों, लोग ऐसे भी उपटन का यूज़ करते हैं अपने स्किन को अच्छा करने के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए. बट आज के वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज के वीडियो में मैं आपको जो उपटन बताऊंगी ना, उसमें मैंने अपना भी कुछ तड़का डाला है. नहीं, मिर्च मसाला नहीं, मैंने मतलब कुछ और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है. क्योंकि बेसिकली जो हम उपटन बनाते हैं उसमें सिर्फ 3 से 4 चीज़ों का मैक्सिमम यूज़ करते हैं, बट आज मैं आपको जो उपटन बताऊंगी उसमें मैंने थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ों का यूज़ किया. तो देखो, उपटन बनाने के लिए अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें चाहिए, जैसे कि 4 चम्मच बेसन, 2 चम्मच व्हीट ब्रान मतलब कि चोकर, आधा नींबू, आधा चम्मच हल्दी, 2 विटामिन कैप्सूल, आधा चम्मच चंदन मतलब कि सैंडलवुड पाउडर. देखो, अगर आपके पास चंदन है तो आप इसका यूज़ करो, नहीं है तो आप इसको इसके भी कर सकते हो, चंदन ऑप्शनल है. एंड लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है मिल्क. तो आपको करना ये होगा, आपको ये सारी चीज़ें 1 by 1 एक बाउल में निकालनी होंगी, और सारी चीज़ों को बाउल में लेने के बाद में आपको मिल्क की हेल्प से इसका एक थिक पेस्ट बनाना होगा. आप बस एक चीज़ का ध्यान देना कि शुरू में खूब सारा मिल्क का यूज़ मत कर लेना, आपको थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते जाना है और फिर उसको आराम से मिक्स करते जाना है. एंड इसी तरह से बस हमारे उपटन भी रेडी हो जाएगा. तो सबसे पहले मैं इसे अपने हाथों पे अप्लाई कर रही हूँ. अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी उंगलियों पे थोड़ा सा उपटन लेना होगा और सर्कुलर मोशन में आपको इसे अपने स्किन पे ऐसे अप्लाई करते जाना है. आप इसे अपने हाथों पे लगा लो, आप पैर पे इसका यूज़ कर सकते हो, इवन नेक पे भी आप इसको लगा सकते हो. पूरी बॉडी पे उपटन को लगाने के बाद में आपको बस थोड़ी देर के लिए वेट करना होगा, और जब ये उपटन स्किन पे हल्का सा ड्राई होने लगे ना, बस तभी आपको इसको रिमूव कर लेना है. आपको क्या करना है, अपने दूसरे हाथ से अपनी स्किन पे ऐसे हाथ रखना है, धीरे से प्रेस करना है और रब करना है, और ईजिली आप देखोगे कि उपटन रिमूव होने लगा है. और सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि आप खुद देखोगे कि हाँ, आपके स्किन की जो भी गंदगी है वो रिमूव हो रही है उपटन के साथ में. तो बस आपको इस उपटन को इसी तरह से रिमूव करते जाना है, एंड उसके बाद में आप एक बार पानी से अपने स्किन को अच्छी तरीके से साफ कर लो, उसको पोंछ लो, और उसके बाद में आप अगर चाहो तो किसी अच्छे से मॉइस्चराइज़र का आप अपने यूज़ भी कर सकते हो. मॉइस्चराइज़र आप थोड़ा सा लो और अपने स्किन पर इसको अप्लाई कर लो. तो आपको इस उपटन का यूज़ करना होगा वीक में 2 से 3 बार. अगर आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप इसका इतने बार ही यूज़ करना, और वाकई में जब आप इसको यूज़ करने लगोगे आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी स्किन पहले से और भी कितनी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स कम हो रही है, साथ में स्किन के कॉम्प्लेक्शन में भी आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा. और इसी वजह से ये उपकरण इतना ज़्यादा अच्छा भी है, और मैं तो इसका यूज़ करती हूँ. और अगर आपको भी अच्छा रिजल्ट चाहिए तो भाई मेरी तरह आप इसका यूज़ करके देखो. तो चलो, यही एक सिंपल सा वीडियो था जो मुझे आपके साथ में शेयर करना था, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बहुत टाइम से कह रहे थे कि बॉडी के लिए भी कुछ बता दो. सो यस, इसीलिए आज मैंने ये चीज़ आपके साथ में शेयर की है. एंड यस, वीडियो ही पे एंड करते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.